इस फरवरी में चार साल बाद कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा जो अन्य लोगों को हर वर्ष मिलता है, क्योंकि इस बार फरवरी 28 नहीं बल्कि 29 दिनों की है। जी हाँ, ये साल यानी 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर अन्य वर्षों की तुलना में एक दिन ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हमारे कैलेंडर में हर चार साल में फरवरी महीने में एक दिन ज्यादा क्यों जोड़ा गया है? अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? लिहाजा इस वीडियो के जरिए लीप ईयर से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो शायद आपने अब तक नहीं सुने होंगे। आखिर एक दिन बढ़ता क्यों है? एक कैलेंडर पृथ्वी के मौसम के अनुरूप होता है। एक कैलेंडर में दिनों की संख्या पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय के बराबर होती है। दरअसल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.242 दिनों का समय लगता है, लेकिन हर साल में आमतौर पर केवल 365 दिन होते हैं। अब यदि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त समय 0.242 दिन को चार बार जोड़ा जाए तो ये समय एक दिन के बराबर हो जाता है। इसलिए चार वर्षों में लगभग एक पूर्ण दिन हो जाता है और कैलेंडर में हर चार साल में एक बार अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। इसी साल को लीप ईयर कहते हैं। देखने में ये गलत लग सकता है, लेकिन इस गलती को ग्रेगोरियन कैलेंडर के जरिए सुधारा गया है। ये वही कैलेंडर है जिसे हम आज अपने घरों की दीवारों पर लगाते हैं या मोबाइल पर तारीख देखकर अपनी योजनाएं बनाते हैं। साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले कैसे होती थी गणना? ग्रेगोरियन से पहले जूलियन कैलेंडर हुआ करता था, जिससे दिनों का निर्धारण होता था। इसे 45 ईसा पूर्व पेश किया गया था, लेकिन इस प्रणाली में लीप वर्ष के लिए कैलेंडर अलग होता था। जूलियन कैलेंडर में पृथ्वी के एक चक्कर लगाने के निश्चित समय का ज्ञान न होने के कारण इसमें खामियां आने लगी। ये कैलेंडर 10 दिन पीछे हो गया। 16वीं शताब्दी में जूलियन कैलेंडर की इस विसंगति को ठीक करने के लिए साल 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ये आदेश दिया कि उस वर्ष 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर की तारीख आएगी। इस प्रकार गलती को सुधारा गया था। इस प्रकार पोप ने जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर सिस्टम को भी संशोधित किया और नई प्रणाली को ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में जाना जाने लगा। लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं? लीप साल में 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि विश्व में जॉर्जियन कैलेंडर का पालन किया जाता है और इसके सही तरीके से कामकाज को बनाए रखने के लिए हर साल में एक दिन जोड़ना आवश्यक होता है। अगर हम हर चौथे साल लीप वर्ष नहीं जोड़ेंगे तो हम प्रकृति के कैलेंडर से हर साल 6 घंटे आगे निकल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हम मौसम को महीने से जोड़कर नहीं देख पाएंगे। यानी कि आज जो गर्मी मई और जून के महीने में देखी जाती है वो अगले 500 सालों बाद दिसंबर के महीने में आएगी। कैसे कर सकते हैं लीप ईयर का पता? ये कैसे पता किया जाता है कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं? किसी भी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए दो शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। पहली शर्त यह है कि उस वर्ष को चार से पूरी तरह भाग दिया जा सकता हो, जैसे 2000 को चार से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। इसी तरह 2004, 2008, 2012, 2016 और अब नया साल 2020 भी इसी क्रम में शामिल है। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई वर्ष 100 से पूरी तरह भाग दिया जा सके तो वो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन अगर वही वर्ष पूरी तरह से 400 की संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। यानी उदाहरण के लिए साल 1500 को 100 से तो विभाजित कर सकते हैं, लेकिन ये 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। इसी तरह 2000 को 100 और 400 दोनों से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है, इसलिए ये लीप ईयर कहलाएगा। शताब्दी लीप वर्ष क्यों नहीं होती? गिगलियो ने 16वीं सदी में यह सिद्ध किया कि यदि प्रकृति की घड़ी के साथ चलना है तो हर चौथे वर्ष एक दिन जोड़ने की व्यवस्था में कुछ अपवाद रखने होंगे।
उसने कहा कि कोई वर्ष जो कि चार से विभाजित होता है तो वो साल लीप साल होगा, जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। लेकिन चार से विभाजित होने वाला साल यदि 100 से भी विभाजित होता है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसके साथ गिगलियो ने एक और बात बताई कि 4 और 100 से विभाजित होने वाला वर्ष यदि 400 से भी विभाजित होता है तो वो लीप वर्ष माना जाएगा। इसलिए 1700, 1800 और 1900 जहां सामान्य वर्ष माना गया, वहीं 2000 को लीप वर्ष माना जाता है। शताब्दी साल लीप वर्ष नहीं होते, क्योंकि हर 4 सालों में एक दिन जोड़कर हम 100 साल के काल में काफी ज्यादा जोड़ देते हैं, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में पूरा करती है। तो जब हर 4 साल में एक दिन जोड़ा जाता है तब हम एक छोटे से अंतर से अधिक सही संशोधन करते हैं, इसलिए हर 100वें साल पर हम एक दिन साल से हटा देते हैं। इसी कारण शताब्दी साल जैसे 1700, 1800, 1900, 2100 आदि शताब्दी साल लीप साल नहीं माने जाते हैं।